बॉलीवुड की जोड़ियां वैसे तो अपने प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो चलिए बता ही देते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लव बर्ड्स रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। अब आप ही देख लीजिए कि कैसे रणबीर का नाम लेते ही आलिया शर्म से हो गई लाल। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों अपने प्यार का इजहार अब खुलकर कर चुके हैं। वैसे तो काफी समय से ही इनके प्यार से हर कोई वाकिफ था, लेकिन रणबीर कपूर के जन्मदिन पर इजहार है इश्क कर इन्होंने कोई हिचक नहीं की। लेकिन जब भी आलिया भट्ट के सामने रणबीर कपूर का कोई नाम ले ले तो बस मारे शर्म के वो लाल हो जाती है। अब क्या करें, प्यार चीज ही ऐसी है। और एक बार फिर आलिया शर्म से लाल हुई द कपिल शर्मा शो में, जहां कृष्णा अभिषेक ने इशारों ही इशारों में पूछ लिया आलिया से मजेदार सवाल। दरअसल द कपिल शर्मा शो में आलिया भट्ट आरआर फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थी। उनके साथ जूनियर एनटीआर और रामचरण और फिल्म के निर्देशक एसएस राजामौली भी मौजूद थे। इस दौरान स्टेज पर कृष्णा अभिषेक आते हैं और अपने ही अंदाज में हर किसी का स्वागत करते हैं, लेकिन जब बारी आती है आलिया भट्ट की तो वो उनसे कहते हैं, मुझे आपकी वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, कपूर एंड सन्स। ये सुनते ही हर कोई ठाके मार कर हंसने लगता है, तो वहीं आलिया भी शर्मा जाती है। वहीं कृष्णा यही नहीं रुकते, वो पूछते हैं इस फिल्म का सीक्वल कब आ रहा है, तो कपिल शर्मा पूछते हैं कि कौन सा सीक्वल। इस पर कृष्णा कहते हैं कपूर एंड बहूज, और बस फिर क्या था, आलिया खिलखिलाकर हंसती है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब आलिया भट्ट को रणबीर कपूर का नाम लेकर छेड़ा गया हो, बल्कि आलिया को अक्सर आर अल्फाबेट का नाम लेकर खूब तंग किया जाता है, फिर चाहे वो कपिल शर्मा का शो हो या फिर कोई और मंच। आलिया और रणबीर कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब खबर है कि दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। नौरा फतेही के पीछे दीवानगी लोगों में बढ़ती जा रही है। एक्ट्रेस की हवा देश के बाहर भी फैल चुकी है। उनके डांस मूव्स को लोग बड़े ही संजीदगी के साथ फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले बता दें कि अफ्रीका के तंजानिया के किली पॉल और नीमा, जो इंटरनेट पर अपनी अजब गजब वीडियो से सनसनी मचाते रहते हैं, उनके चाहने वालों की लिस्ट किसी बड़े स्टार से कम नहीं है। दोनों भाई बहन ने बेहद कम समय में इतनी ज्यादा सफलता अपनी काबिलियत के दम पर हासिल की है। लेकिन क्या है इनका नोरा से कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। वैसे आपको लग रहा होगा कि नोरा की बात करते करते हम किली पॉल पर कैसे पहुंच गए, तो जरा ठहरिए। दरअसल हुआ यूं कि किली पॉल का एक हाल ही का वीडियो जो सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें वो नोरा फतेही के सॉन्ग डांस मेरी रानी पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और लिखा, डांस मेरी रानी। मैंने नोरा फतेही के मूव्स को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन इस खबर ने और भी ज्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब गुरु रंधावा ने उनका ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, जब गाना वाकई में अफ्रीका में प्रवेश कर गया हो। सोशल मीडिया पर तंजानिया के दरअसल किली पॉल बॉलीवुड के गानों पर रील्स बनाकर काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। अब किली ने नोरा फतेही और गुरु रंधावा के गाने पर डांस वीडियो अपलोड किया है, जिसे खुद एक्ट्रेस ने शेयर किया। नोरा ने किली का वीडियो शेयर करते हुए खुशी भी जताई है। आपको बता दें कि अफ्रीका के तंजानिया के किली पॉल और नीमा इंटरनेट पर अपनी अजब गजब वीडियो से सनसनी मचाते रहते हैं। उनके चाहने वालों की लिस्ट किसी बड़े स्टार से कम नहीं है। दोनों भाई बहन ने बेहद कम समय में इतनी ज्यादा सफलता अपनी काबिलियत के दम पर हासिल की है, जो हर किसी के जुबा पर भी है। खैर, जब किली ने नोरा के इस गाने पर रील बनाया तो मानो तहलका मच गया हो। आपको बता दें कि इस नए ट्रैक को गुरु रंधावा और जहरा एस खान ने अपनी आवाज से सजाया है, जिसे रश्मि विराग ने लिखा और तनिष्क बागजी ने कंपोज किया है। वीडियो को टैलेंटेड बॉक्सो लेस्ली द्वारा क्यूरेट, डिजाइन और डायरेक्ट किया गया है।
ये गाना 21 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया और रिलीज के बाद ही ये गाना बेहद पसंद भी किया जा रहा है। तंजानिया के भाई बहन इस समय बॉलीवुड के फिल्मों में मशहूर गानों को लिपसिंग करके इंटरनेट सेंसेशन बना रहे हैं। तंजानिया के दोनों भाई बहन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। बॉलीवुड गानों पर थिरकने वाला ये कपल इंटरनेट पर काफी पॉपुलर हो चुका है। वो दोनों हिंदी गानों पर लिपसिंग डांस करते हैं और लोग उनके प्रदर्शन को इतना पसंद करते हैं कि वो सचमुच उनके वीडियो का इंतजार करते हैं। सीरीज में और इजाफा करते हुए भाई ने अब बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही को कड़ी टक्कर दे डाली है। हाल ही में तंजानिया के इस युवक का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में किली पॉल ने इतना जोरदार डांस किया कि ओरिजिनल गाने में एक्ट्रेस नोरा फतेही एक फीकी पड़ती हुई नजर आई। आपको यकीन नहीं होगा, बस एक बार इस वायरल हो रहे वीडियो को जरूर देखिएगा। खैर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तंजानिया के युवक किली पॉल को अभिनेत्री नोरा फतेही के गाने डांस मेरी रानी पर डांस करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को उन्होंने किली पॉल नाम से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया। सोशल मीडिया यूजर्स इन दिनों उनके इस तूफान के दीवाने हो रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स ही नहीं बल्कि खुद एक्ट्रेस नोरा फतेही भी तंजानिया के इस डांसर की फैन हो गई है। गाने को गाने वाले गुरु रंधावा ने भी अब वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने काफी खुशी भी जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। 2021 को तो अब हम सब टाटा बाय बाय करने वाले हैं और 2022 का वेलकम करने वाले हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि नए साल की शुरुआत क्यों ना कुछ अलग ही ढंग से की जाए और नए साल में आगे बढ़े, तो ऐसे में हमारे बॉलीवुड के सेलेब्स भी कैसे पीछे रह सकते हैं। वो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड एंड पार्टी इवन हार्डर, तो ऐसा ही आजकल कुछ बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान भी करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सलमान खान इन दिनों शूटिंग से ब्रेक लेकर मुंबई से दूर अपने पनवेल फार्म हाउस पर एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस के बाद अब सलमान खान ने अपना बर्थडे भी मनाया और नए साल का स्वागत भी वो वहीं पर परिवार के साथ करेंगे। वहीं हाल ही में उन्हें सांप ने भी काटा, जिसके बाद अब वो कुछ दिन आराम करेंगे। लेकिन नए साल के जश्न के बाद सलमान खान फिर से जुटने वाले हैं शूटिंग में और वो शूट करेंगे कैटरीना कैफ के साथ। जी हाँ, खबर है कि कैटरीना कैफ और सलमान खान टाइगर 3 की शूटिंग के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। दरअसल कैटरीना कैफ ने दीपावली से पहले टाइगर 3 के आउट ऑफ इंडिया शूटिंग शेड्यूल को पूरा कर लिया था। सलमान और कैटरीना 3 अलग अलग देशों में शूटिंग के लिए गए और तकरीबन 1.5 महीने के बाद वापस लौटे थे। अब काफी हद तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों की शूटिंग बाकी है। फिलहाल सलमान और कैटरीना दोनों ने ही शूटिंग से ब्रेक लेकर फैमिली टाइम एंजॉय करने का समय लिया है। खबर ये भी है कि सलमान खान शाहरुख खान की पठान में कैमियो करते नजर आने वाले हैं। शाहरुख खान लगभग 4 साल के बाद स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं। फिलहाल वो अपनी फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। लेकिन खबर ये भी है कि वो एक बार फिर से शाहरुख खान की पठान में गेस्ट अपीयरेंस देंगे और टाइगर 3 की शूटिंग के बाद इसकी शूटिंग करेंगे। शाहरुख खान की आखिरी फिल्म जीरो में भी सलमान खान कैमियो करते हुए नजर आए थे। खैर, आपको बता दें कि सलमान ने अपने बर्थडे बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। इन दिनों सलमान खान कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो बिग बॉस 15 को होस्ट कर रहे हैं। उनके 56वें जन्मदिन के ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी बिग बॉस के घर में भी की गई। अब सलमान बिग बॉस 15 के सेट पर अपना जन्मदिन मनाएंगे या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हर बार वो अपना जन्मदिन सेट पर जरूर मनाते हैं। सलमान खान ने बीते साल भी पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस सेलिब्रेशन में कई सेलेब्स भी शामिल हुए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया, क्योंकि सलमान को दरअसल पहले तो सांप ने काट लिया था, लेकिन उसके बाद भी पनवेल फार्म हाउस पर काफी जश्न मना। हालांकि उनके पिता सलीम खान ने ये पुख्ता जानकारी देते हुए बताया था कि सलमान अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं।
दरअसल जब बर्थडे से पहले सलमान को सांप ने काटा था तो उसके बाद दो तस्वीरें सलमान की खूब वायरल हो रही थी। पहली तो जिसमें वो अस्पताल के एक बेड पर लेटे हुए थे और उसके बाद आई उनकी दूसरी तस्वीर जिसमें वो किसी शख्स के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे ऐसा लग रहा है कि उनके फार्म हाउस की तस्वीर है जिसे गुब्बारों से अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। सलमान खान का परिवार भी उनके बर्थडे का इंतजार करता रहता है और उनके जन्मदिन को बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट हर साल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। साल 2020 की तरह 2021 भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है और इसी वजह से आम लोगों की तरह सेलिब्रिटीज के लिए भी ये साल ज्यादा खास नहीं रहा। लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच भी कई सेलेब्स के घर इस साल ढेर सारी खुशियां आई। एक तरफ इंडस्ट्री के कई स्टार कपल्स ने शादी रचाई जिसमें कैटरीना कैफ, विकी कौशल, राजकुमार राव, पत्रुलेखा जैसे सितारों के नाम शामिल हैं, तो दूसरी तरफ इसी साल कई स्टार कपल्स को माता पिता बनने का सुख भी मिला। रिपोर्ट देखिए। एक्ट्रेस करीना कपूर इस साल दूसरी बार मां बनी। करीना ने अपने बेटे को 21 फरवरी को जन्म दिया। करीना और सैफ ने अपने नए नवाब का नाम जहांगीर अली खान पटौदी रखा है। जहांगीर मुगल बादशाह के बेटे मोहम्मद सलीम का नाम था और इसी वजह से एक्ट्रेस अपने बेटे के नाम की वजह से खूब ट्रोल हुई। हालांकि उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली को भी इसी साल माता पिता बनने का सुख मिला। एक्ट्रेस ने 11 जनवरी को प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम दोनों ने मिलकर वामिका रखा है। अनुष्का और विराट ने अब तक फैंस को अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री और डिंपल गर्ल के नाम से मशहूर प्रीति जिंटा भी मां बन चुकी हैं। प्रीति और उनके पति जैन सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों के पिता मां बने हैं। पॉपुलर अभिनेता पार शक्ति खुराना की पत्नी आकृति आहूजा ने भी 27 अगस्त को प्यारी बेटी को जन्म दिया। कपल ने मिलकर अपनी बेटी का नाम आरजोई एक खुराना रखा है। इसका मतलब है इच्छा या प्रार्थना। नेहा धूपिया और अंगद बेदी को भी इस साल दूसरी बार माता पिता बनने का सुख मिला। नेहा ने 3 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया। इससे पहले नेहा ने साल 2018 में बेटी मेहर को जन्म दिया था। इस लिस्ट में हरभजन सिंह और गीता बसरा का नाम भी शामिल है। दोनों ने साल अपने घर में अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया। गीता ने 10 जुलाई को अपने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम जोवन वीर सिंह पहाला रखा गया। इससे पहले हरभजन और गीता की एक बेटी हिनाया है। एक्ट्रेस दिया मिर्जा भी अब मां बन चुकी हैं। दिया ने 14 मई को बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अपने पति वैभव के साथ मिलकर अव्यान आजाद रेखी रखा है। अव्यान का जन्म समय से पहले हो गया था जिस वजह से एक्ट्रेस के बेटे को कुछ समय के लिए NICU में भी रखा गया था। वहीं कैटरीना कैफ और विक्की कौशल 9 दिसंबर को शादी के बंधन में इसी साल बंध गए। दोनों ने मुंबई की भागादौड़ी से काफी दूर राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित फोर्ट में शादी रचाई। कैटरीना कैफ ने सभ्यसाची कलेक्शन का सुर्ख लाल रंग का ट्रेडिशनल लहंगा पहना था तो वहीं दूल्हे के पंजाबी रिवाजों को ध्यान में रखते हुए कैटरीना के घूंघट को इलेक्ट्रोप्लेटेड सोने में हाथ से तैयार की गई चांदी से बने किरण के साथ कस्टम ट्रिम किया गया है। इसके साथ हेरिटेज ज्वेलरी में हाथ से बने मोती और 22 कैरेट सोने बिना कटे हीरो के साथ पेयर किया गया। बताया जा रहा है कि कैटरीना के इस लहंगे की कीमत 17 लाख रुपए है। वहीं बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और उनकी फैशन डिजाइनर गर्लफ्रेंड नताशा दलाल भी 24 जनवरी को शादी के बंधन में बंधे। दोनों की शादी में करीबी दोस्त और परिवार शामिल हुआ। शादी के लिए वरुण और नताशा ने एक जैसे कलर के आउटफिट पहने। उन्होंने ऑफ व्हाइट आउटफिट पहना जिसमें कढ़ाई काफी बारीकी से की गई थी। इस आउटफिट में दोनों की जोड़ी काफी प्यारी लग रही थी।
इसके अलावा नताशा ने भी ऑफ व्हाइट लहंगा पहना था। इसके साथ उन्होंने वी शेप नेकलाइन ब्लाउज पहना था जिसकी शियर स्लीव्स थी। ब्लाउज में सीक्वेंसिंग पर बारीकी से काम किया गया जबकि इसमें छोटे छोटे स्कैल्प्ड दिखाई दिए। खास बात ये रही कि नताशा ने खुद अपने लहंगे और ब्लाउज को डिजाइन किया था। वहीं राजकुमार राव और पत्रलेखा भी 15 नवंबर को अपनी शादी के बंधन में बंध गए। अभिनेता ने पारंपरिक तरीके से अपनी प्रेमिका पत्रलेखा से शादी की जिसमें परिवार और करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे। पत्रलेखा ने अपनी शादी में लाल रंग की साड़ी पहनी थी। पत्रलेखा गोल्डन कढ़ाई वाली एक क्लासिक लाल साड़ी पहने हुए नजर आए जिस पर ट्यूल कढ़ाई वाली ब्यूटी दी गई थी। वहीं अंकिता लोखंडे 14 दिसंबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकी जैन से शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी का समारोह 3 दिन तक मुंबई के एक होटल में चला। अंकिता लोखंडे ने जब शादी के लिए मंडप में एंट्री ली तो उनका गोल्डन कलर का हैवी और गॉर्जियस लहंगा हर किसी का ध्यान खींच रहा था। लोखंडे का ये आउटफिट जाने माने ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। मनीष मल्होत्रा ने बताया कि अंकिता लोखंडे का आउटफिट हाथ से कढ़ाई किया हुआ है। अंकिता लोखंडे के इस वेडिंग लहंगे में काफी ज्यादा वर्क किया गया और आपको बता दें कि मोती और इसमें प्राचीन जरदोजी लटकन से भी इसको सजाया गया। वहीं एक्ट्रेस यामी गौतम ने भी अपनी शादी से हर किसी को चौंका दिया था। लहंगे के बजाय सिल्क की साड़ी पहने नजर आई यामी अपनी शादी पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनकी साड़ी की खास बात ये थी कि यामी ने अपनी मां की 33 साल पुरानी सिल्क साड़ी को अपनी शादी का जोड़ा बनाया। वहीं इससे पहले एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने भी अपनी शादी में साड़ी ही पहनी थी। दिया मिर्जा ने लहंगा न पहनकर बनारसी साड़ी को चुना था। शादी में दिया का लुक काफी आकर्षक लग रहा था। बनारसी साड़ी का फैशन हमेशा से ही रहता है लेकिन बनारसी साड़ी में महिलाओं का लुक क्लासी लगता है। दिया मिर्जा ने भी लाल रंग की जरी वर्क साड़ी में लाल दुपट्टे और पारंपरिक शादी के आभूषणों के साथ अपने बाल को गजरे से सवार रखा था। एक समय में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर पहचाने जाने वाले दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना पर जल्द ही एक बायोपिक बनने जा रही है और इस बायोपिक को कोई और नहीं बल्कि जानी मानी कोरियोग्राफर और ओम शांति ओम मैं हूं ना और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुकी फराह खान ही बनाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। सब कुछ ठीक रहा तो फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के बाद से अपनी अगले फिल्म प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही कोरियोग्राफर निर्देशक फराह खान जल्द ही हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना की बायोपिक का निर्देशन करती नजर आएंगी। राजेश खन्ना के जन्मदिन से एक दिन पहले शुरू हुई इन चर्चाओं के साथ ही संभव ये भी है कि फराह खान की बतौर निर्देशक 7 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी हो जाए। फराह खान ने तमाम सुपरहिट हिंदी फिल्मों में गानों का निर्देशन किया है। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म मैं हूं ना ब्लॉकबस्टर रही। उनके निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म ओम शांति ओम ने भी रिकॉर्ड बिजनेस किया। राजेश खन्ना की ये बायोपिक लेखक गौतम चिंतामणि की किताब डार्क हॉर्स द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना पर आधारित होगी। राजेश खन्ना के जन्मदिन से एक दिन पहले उन पर बायोपिक बनने की शानदार खबर मिल रही। राजेश खन्ना ने अपने करियर में लगातार 17 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और वो अपनी महिला प्रशंसकों के बीच दीवानगी की हद तक पसंद जाते थे। चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत के साथ अपना डेब्यू करने वाले राजेश खन्ना को कभी बॉक्स ऑफिस का सबसे भरोसेमंद कलाकार माना जाता था। इस बारे में निर्देशक फराह खान का कहना है कि मैंने गौतम की किताब पढ़ी है और ये बहुत ही आकर्षक है। ये निश्चित रूप से बहुत ही रोमांचक कहानी है। हालांकि हम इस पर अभी बातचीत कर रहे हैं इसीलिए इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती। राजेश खन्ना की ये बायोपिक बनाने के लिए गौतम की किताब की अधिकार अभिनेता
से निर्माता बने निखिल द्विवेदी ने खरीदी है। निखिल बीते 2 साल में एक के बाद एक तमाम फिल्में बनाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन राजेश खन्ना की बायोपिक से पहले उनकी घोषित फिल्मों को लेकर फिल्म जगत में खास उत्साह देखने को नहीं मिला। हालांकि जतिन खन्ना के नाम से जन्मे राकेश खन्ना को इंडस्ट्री में लोग काका के नाम से बुलाया करते थे। राजेश खन्ना जल्दी लोगों से खुलते मिलते नहीं थे, लेकिन उनके करीबी उन्हें अपना सबसे खास समझते थे। राजेश खन्ना के जीवन काल में उनका कई विवादों से नाम जुड़ा। फिल्म आनंद के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ उनके रवैये को लेकर जया भादुड़ी ने उन्हें काफी खरी खोटी भी सुनाई थी। राजेश खन्ना ने फिल्म बॉबी से डेब्यू करने वाली डिंपल कपाड़िया से शादी की और फिल्म हाथी मेरे साथी में काम करने के लिए मिली रकम से वो हिंदी सिनेमा में उस दौर के सबसे महंगे स्टार भी बने। बाद में उनका नाम कई हीरोइनों से जुड़ा। फिल्म अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ उनके रिश्तों को लेकर उस दौर में कई किस्से बने। कहा यह भी जाता था कि फिल्म सौतन की मेकिंग के दौरान इसी के चलते डिंपल कपाड़िया उनसे अलग रहने लगी थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार कौन निभाएगा इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन निर्देशक फराह खान के बड़े सितारों से रिश्ते ऐसे हैं कि उनको कोई बड़ा सितारा इसके लिए लाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फराह खान लंबे अरसे से बतौर निर्देशक अपनी फिल्म शुरू करने की कोशिश करती रही है। इससे पहले उनका नाम फिल्म सत्ते पे सत्ता के रिमेक को लेकर भी लंबे अरसे तक सुर्खियों में रहा, लेकिन ऋतिक रोशन के इस फिल्म में काम न करने से इनकार करने और फिल्म के अधिकारों को लेकर विवाद की बात सामने आने के चलते वो फिल्म शुरू नहीं हो सकी। हालांकि एक सवाल ये भी है कि फिल्म का नाम क्या होगा, इस फिल्म में कौन सा एक्टर राजेश खन्ना का किरदार अदा करेगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया। हालांकि फैंस ये जानने के लिए काफी उत्साहित हैं। निखिल द्विवेदी डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना के राइट्स हासिल कर चुके हैं और जल्द ही इस पर काम भी शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।